तो गाइज आप सभी तो बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना और यहाँ पर ये वाले बैकग्राउंड को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले एड फोटो वाले ऑप्शन में जाना है, तो एड फोटो वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना और यहाँ पर ये वाले कार को जो है ऐड कर लेना। ये वाला कार जो है फ्लेयर गन में मिलता है, जो पबजी खेलता है उन लोग जानते होंगे, फ्लेयर गन चलाने से ये वाला कार आता है, इसे जो है ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से कर लेना, हल्का सा बड़ा कर लेना। अब यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में इरेज का आइकॉन होगा, तो इस इरेज आइकॉन को क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे में भी इरेज का आइकॉन होगा, उसे क्लिक कर देना। हार्डनेस कैपेसिटी को हल्का सा कुछ इस टाइप से रखना जैसे मैं रखा हूँ, और साइज को अपने हिसाब से रख लेना। और जूम करना यहाँ पर कुछ इस टाइप से हल्का हल्का रिमूव कर लेना, जिससे लगेगा कि ये घास के अंदर है या घास में है, तो कुछ इस टाइप से लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे से कर लेना। और ऊपर में राइट का आइकॉन है, उसे क्लिक कर लेना और साइड को क्लिक करना। और यहाँ पर साइड में ऐड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर ऐड के ऑप्शन को जो है क्लिक कर लेना है। तो ऐड को क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर एक ड्रॉप का PNG इमेज मिल जाएगा, तो इस ड्रॉप के PNG इमेज को ऐड कर लेना और अच्छे से नीचे साइड में अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, छोटा बड़ा करके जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। और साइड को क्लिक करना। साइड को क्लिक करना तो फिर से जो है ऐड वाला ऑप्शन आएगा, तो इस ऐड वाले ऑप्शन को फिर से क्लिक कर देना है और बाकी का PNG ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना और ये वाले PNG इमेज को जो है ऐड कर लेना। ये पबजी का सामान है, तो इसमें बैग है और गन्स वगैरह हैं, तो इसे जो ऐड कर लेना और कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। और ये हो गया PNG। सबको अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि ये वाला इमेज जो है डन हो जाएगा। तो ये क्लिक कर दिया राइट के आइकन को। अब जो है यहाँ पर फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन में चले जाना है, तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, तो इस ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं ये वाले मॉडल का पिक को ऐड कर लूँगा। तो इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूवेड नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो साइड में इरेज वाला आइकन दिखता है, तो ये वाले इरेज वाले आइकन को क्लिक कर देना है और बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो सबसे पहले ये वाले आइकन को क्लिक करना और नीचे में भी इरेज लिखा होगा उसको क्लिक कर लेना। हार्डनेस कैपेसिटी को बढ़ा देना और साइज को अपने हिसाब से रखना और मैन्युअली कुछ इस टाइप से रिमूव कर सकते हो। मैं जो है वीडियो को कट कर दूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को कट कर दूंगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब जो है ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो इस राइट के आइकन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना, तो मैं जो है छोटा बड़ा करके देख लेता हूँ, यहाँ पर ये सही लग रहा है, तो ये कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अच्छे से एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर फिर से जो है इरेज वाले आइकन को क्लिक करना और फिर से नीचे वाले इरेज को क्लिक करना। हार्डनेस कैपेसिटी को कम रखना और यहाँ पर नीचे साइड को कुछ इस टाइप से रिमूव कर लेना, जिससे कि ये इसमें भी लगेगा कि ये घास में है, तो कुछ इस टाइप से जो है रिमूव कर लेना। तो दूसरे पैर को भी रिमूव कर लेना और ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उस राइट के आइकन को क्लिक कर देना। तो यहाँ पर राइट का आइकन है, उसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसमें साइड को क्लिक करना और फिर से जो है ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करना और एक बैटल ग्राउंड का PNG ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड को क्लिक कर देना और ये वाले PNG को जो है ऐड कर लेना। इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे ऊपर साइड में रख लेंगे, हल्का सा बड़ा करेंगे और ऊपर साइड में कुछ इस टाइप से रख लेंगे। इसे मैं और छोटा कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, तो अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना। अब इसमें इस इमेज को डन कर देना है, तो डन करना है तो साइड में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर देना। तो डन होने के बाद यहाँ पर फिर से जो है ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो साइड में होता है ऐड फोटो का ऑप्शन, उसे क्लिक कर देना। और पबजी का कुछ PNG है, तो ये वाला है, तो ये वाले PNG को ऐड कर लेना, कहीं भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ड्रॉप के ऊपर ही रख लेता हूँ मैं इसे कुछ इस टाइप से, जूम करके मैं अच्छे से रख लेता हूँ। और अच्छे से रखने के बाद यहाँ पर साइड को क्लिक करूँगा, साइड को क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर से जो है ऐड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक कर दूँगा। और ये सब PNG भी है, इन सब PNG को जो है ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रास वाला PNG है, घास वाला PNG है, तो इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ये कुछ इस टाइप से रख लेता हूँ, तो इसे भी अच्छे से कुछ इस टाइप से रख लेना। इसके बाद यहाँ पर साइड को क्लिक करना है, तो साइड को क्लिक करना, फिर से जो है ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करना
और यहाँ पर यह वाला घास का पीएनजी भी मिल जाएगा। तो घास का पीएनजी सब बनाने में बहुत मेहनत लगा है मेरे को, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीएनजी और बैकग्राउंड सब खोजने में बहुत मेहनत लगता है, आपको तो सिर्फ डाउनलोड करना होता है। तो ऊपर में राइट का आइकन दिख रहा होगा, तो इस राइट के आइकन को क्लिक कर लेना और इस इमेज को डन कर लेना। अब यहाँ पर फिर से जो है एक पीएनजी बच ही गया, तो यहाँ पर और एक पीएनजी ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना और ये पीएनजी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर ये वाला पबजी का लोगो है, तो पबजी का लोगो को कुछ इस टाइप से लगा लेना, कहीं भी लगा सकते हो ऊपर नीचे। तो मैं यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिखा है वहीं पर लगा लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से रख लूँगा और अच्छे से रख लेता हूँ, छोटा बड़ा करके मैं देख लेता हूँ। और इस इमेज को डन करना है, तो डन करना है तो ऊपर में राइट का आइकन होता है, तो उसे जो है क्लिक कर देना और इसे जो है डन कर देना। अब इस इमेज को सेव करना है अपने गैलरी में, तो गैलरी में सेव करना होता है तो ये ड्रॉ के ऑप्शन में चले जाते हैं हम। ड्रॉ के ऑप्शन नीचे होगा, तो ड्रॉ के ऑप्शन को खोज लेना। यहाँ पर ये मिल गया और ये ड्रॉ का ऑप्शन और एक बार आ जाता है, तो उसे भी क्लिक कर लेना। और साइड में थ्री डॉट है, इस थ्री डॉट को क्लिक करना और सेव इमेज का आइकॉन आता है, लिखा भी होता है, तो उसे क्लिक कर देना, तो ये अपने गैलरी में जो है सेव हो जाएगा। अब जो है लाइट रूम एप्लीकेशन जो है ओपन करना है, तो लाइट रूम में इसी इमेज को शेयर कर देना। तो मैं जो है उसी इमेज को लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देता हूँ, तो इसके बाद ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसमें जो है सबसे पहले तो टेम्परेचर वाला आइकॉन बन रहा होगा, उसमें क्लिक करना और यहाँ पर मिक्स वाले ऑप्शन में जाना है, ऊपर में होता है, तो उसे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ये रेड वाले में जाना है, सेचुरेशन को हल्का सा कम कर दूंगा मैं, रेड वाले के सेचुरेशन को, और कुछ ज़्यादा तो नहीं करना है। अब ऑरेंज वाले में जाऊंगा, ऑरेंज में जो है लुमिनेंस को बढ़ा दूंगा, जिससे कि फेस का कलर जो है और वाइट हो जाता है, तो लुमिनेंस को बढ़ा देना। अब यहाँ पर येलो वाले में जो है हुई को जो है कम कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और सेचुरेशन को भी हल्का सा कम कर लूँगा, और ये ग्रीन वाले में जो है हुई को जो है कम कर दूंगा और सेचुरेशन को भी कम कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और ब्लू कलर में यहाँ पर हुई को जो है माइनस में कर दूंगा तो कुछ इस टाइप से, और सेचुरेशन को हल्का सा प्लस में कर दूंगा और डन कर दूंगा इसे। अब यहाँ पर विगनेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लूँगा और विगनेट को जो है माइनस कर लूँगा, जिससे कि ब्लैक ब्लैक विगनेट क्रिएट हो जाता है, और फेदर को जो है हल्का सा बढ़ा लूँगा। अब यहाँ पर ये वाले स्मूथ वाले ऑप्शन में जाएंगे, शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे और यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा लेंगे, चाहते हो तो और भी बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर मैं इतना ही करूँगा। और इस इमेज को सेव करना है, तो यहाँ पर बिफोर एंड ये आफ्टर देख सकते हो, लाइट रूम में हल्का सा एडिट करने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसे सेव करना चाहते हो तो ऊपर में शेयर का आइकॉन है, तो उसे क्लिक करके जो है सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यहाँ पर दो वीडियो देखने को मिल रहा होगा, दोनों ही मेरा है, तो दोनों में से कोई एक क्लिक करके देख सकते हो। चैनल को विजिट करना चाहते हो तो सेंटर में चैनल का आइकॉन है, उसे क्लिक करके विजिट कर सकते हो।